अब पाकिस्तानियों के मजे ही मजे, क्रिकेट ही क्रिकेट। जैसे ही PSL खत्म होगा वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज हो जाएगा, जिसके शेड्यूल का PCB ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। चलिए जान लेते हैं बिना टाइम जाया किए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का 5 मैचों का शेड्यूल क्या है और ये मैचेस किन किन ग्राउंड्स में खेले जाएंगे, इनकी टाइमिंग क्या होगी, तारीखें क्या होगी, मुकम्मल शेड्यूल जान लेते हैं और लुत्फ अंदोज होते हैं। 17 मार्च को PSL का फाइनल होने जा रहा है और 17 मार्च के बाद 22 तारीख से पहले वनडे का मैच का आगाज होने जा रहा है, यानी सिर्फ 4 दिन के बाद पहला वनडे मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन खेला जाएगा। चलिए मुकम्मल शेड्यूल जान लेते हैं। सबसे पहले तमाम मैचों का मुकम्मल शेड्यूल जान लेते हैं, फिर इसके बाद टाइमिंग की तरफ आएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच 22 मार्च को जुमा के दिन खेला जाएगा। ये मैच शारजा के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका शुमार छोटे ग्राउंड में होता है। फिर दूसरा वनडे मैच 24 मार्च को इतवार के दिन खेला जाएगा, ये मैच भी शारजा में खेला जाएगा। फिर तीसरा वनडे मैच 27 मार्च को बुध के दिन खेला जाएगा, ये मैच अबूजहबी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। फिर चौथा वनडे मैच 29 मार्च को जुमा के दिन खेला जाएगा, ये मैच दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। फिर पांचवा वनडे मैच 31 मार्च को इतवार के दिन खेला जाएगा, ये मैच भी दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अगर बात की जाए इन तमाम मैचेस की टाइमिंग की, तो ये तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन शाम 4 बजे शुरू होंगे और इसके साथ सऊदी अरब में ये मैच दोपहर 2 बजे, मुत्तहदा अरब इमारात में दोपहर 3 बजे और इसके साथ इंडिया में शाम 4:30 बजे शुरू होंगे।